यहाँ पर पहला सवाल हम लेंगे सारा का। नमस्कार डॉक्टर, मेरा नाम सारा है और मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कोविड-19 के लिए अभी सबसे प्रभावी उपचार क्या उपलब्ध है? अरे फिलहाल एज ऑफ नाउ तो इसका सबसे बेहतर जो उपचार है वो है प्रिवेंशन, जो हम शुरू से बात करते हुए आ रहे हैं, वही आपको सारी चीजें अभी तक फॉलो करनी है जो हम इसके शुरुआती दिनों तक कह रहे थे, वही मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग। क्योंकि अभी आप ये नहीं कह सकते ठीक है वैक्सीन आ गई है, पॉजिटिविटी रेट आपका कम हुआ है, ट्रांसमिशन कम हुआ है, पर वायरस अभी नहीं गया है, तो आपको वही चीजें फॉलो करनी है। और आपने ये भी सुना होगा, आप इस चीज से अपडेटेड होंगे कि जो वैक्सीन चल रही है वो भी बड़े फेजेस में चल रही है। अभी फर्स्ट सबसे फेज में आपके हेल्थ केयर वर्कर को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी, और बाकी जिस तरह से आगे आगे जिस तरह से ये वैक्सीन कैंपेन मूव होगी वो लगती रहेगी, और जब तक एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप ना हो जाए, लगभग 60-70% लोगों तक का इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन ना हो जाए तब तक हमें ये सब चीजें फॉलो करनी है। तो फिलहाल यही जो है सबसे बेहतर ट्रीटमेंट है, प्रिवेंशन। डॉक्टर समीर भाटी, आप लगातार वैक्सीन अवेयरनेस कैंपेन कमेटी में भी हैं, किस तरह से लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं उनको आप कहना चाहेंगे कि किस तरह की लोगों में जो एक हेजिटेंसी है उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जो लक्ष्य था वो शुरुआती दौर में हासिल हो नहीं पाया है वैक्सीनेशन को लेकर? इस तरह की कुछ चीजें एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि हम देख रहे हैं बाहर भी, विदेशों में भी लेके कुछ बातें उठी और कुछ अफवाहें भी चल रही थी जिनको लेके, ये आप टेस्टिंग को भी लेके देखें कि शुरुआती दिनों में टेस्टिंग को लेके भी लोगों में बहुत तरह का हेजिटेशन था कि टेस्ट कराने से हम लोगों को इस तरह से आइसोलेट कर देंगे, घर से ले जाएंगे। ऐसे वैक्सीन को लेके भी कई बार इस तरह से इतने बड़े कैंपेन होती है, इस बड़े लेवल पे चीजें होती है, तो ये चीजें बिल्कुल मुमकिन है कि इस तरह की, इसीलिए ये जो फेजेस में किया गया है कि सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स इसको लगवा रहे हैं, डॉक्टर्स लगवा रहे हैं, ताकि लोगों में थोड़ा एक मोटिवेशन भी आए और वो समझ पाए कि इसके जो है पॉसिबल छोटे मोटे कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जिनको लेकर घबराना नहीं है। तो लोगों को अभी फिलहाल जो एक हेजिटेशन हो रहा है वो साइड इफेक्ट्स को लेकर ही हो रहा है, जिसमें एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन जब भी कभी लगती है तो उसके कुछ इफेक्ट होते हैं, उससे पता लगता है कि हाँ वैक्सीन इफेक्टिव है। तो माइल्ड फीवर होना, वहां पर जहां वैक्सीन लगी है हल्का सा इचिंग होना, ये सब चीजें माइल्ड जो है इस तरह के इफेक्ट्स होते हैं, तो इसको लेके थोड़ा सा हेजिटेशन है। बाकी धीरे धीरे हमें लगता है कि जिस तरह से आगे ये कैंपेन मूव होगी तो लोगों का जो ये हेजिटेशन है, जो ये डर है, वो भी निकल जाएगा। माइल्ड इफेक्ट्स की सर आपने यहाँ पर बात की, तो अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में आम लोगों का नंबर भी आ जाएगा। जी, इसमें अभी हम बात कर रहे हैं कि अभी फिलहाल हमारी 2 वैक्सीन लॉन्च हुई है और आगे 4 वैक्सीन भी और लॉन्च होने वाली है। और अभी हम एक और बात करें, अपनी जो नेजल वाली वैक्सीन है उसका भी फर्स्ट ट्रायल के लिए अप्रूवल मिलने वाला है, तो अभी काफी वैक्सीन पाइपलाइन में है। तो हमें लगता है कि जो इम्यूनाइजेशन वाला प्रोग्राम है आगे और भी ज्यादा फास्ट ट्रैक के ऊपर जाएगा। और फिलहाल अभी जैसा हम देख रहे हैं कि हमारी जो दोनों ही वैक्सीन है इनके 2-2 डोजेज लगनी है, फिर आगे और भी वैक्सीन आएगी, शायद उनकी सिंगल डोज लगे, तो आगे आई थिंक ये और जल्दी, जिस तरह से अभी का फिलहाल टारगेट है कि 3 करोड़ लोग और टोटल 30 करोड़ के जो हमें फर्स्ट इम्यूनाइजेशन करना है फर्स्ट फेज में, डॉक्टर आपने यहाँ पर जिक्र किया, फास्ट ट्रैक पे मूव होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीर भाटी, आप हमसे जुड़े और आपने ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हमसे साझा की। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाते रहें और कुछ कुछ देर में अपने हाथ जरूर धोते रहें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।